हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों, अभी दिन में के 12:30 बजने वाले हैं और आज दिन में के टाइम से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज मेरा कार्यक्रम चल रहा है बगल वाली दुकान की सफाई करने का। तो ये हमारी दुकान का अंदर वाला जो ये वाली दुकान है ना, मेन जिसमें मैं बैठे रहती हूँ, वो वाली दुकान का अंदर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने सामान सेट करना था। इधर को एक गत्ते वगैरह निकालने थे, जो भी पेटियाँ होती हैं वो सब कुछ मैंने इकट्ठा करनी थी। और बगल वाली दुकान में मैंने कल कोल्ड ड्रिंक लेके रखी है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा उधर साइड को पूरा। तो यहाँ हमारी दुकान में दो चारपाई है ना, तो ये चारपाइयों ने इतनी जगह घेर रखी है। अगर ये लोग ये टेबल लेके आए रहते तो अभी तक यहाँ पर पूरी टेबल लगी हुई होती और ये जगह घिरी भी नहीं होती। तो मैं सोच रही हूँ वो सारा गत्ता मैं अंदर रख दूँ और वहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रख दूँ करके, जिससे थोड़ा सही लगे। और बगल वाली दुकान में सब जगह मैंने झाड़ू लगा दिया है। अभी फिलहाल मैं अंदर झाड़ू लगा के फ्री हो गई हूँ। अब मेरा कार्यक्रम, अब मैंने काम करना है बगल में सामान सेट करने का। अभी सामान भी तो लिया है, ये बताना भूल गई। तो अभी अभी आए हुए थे साजी, तो साजी से थोड़ा बहुत मैंने सामान लेना था, वो भी ले लिया। और नमकीन वगैरह तो कुछ लेनी नहीं थी, थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह थे वो मैंने ले लिए हैं। और वो सामान भी सेट करूँगी और दुकान का सारा काम यहाँ पूरा अच्छे से सजा धजा के एकदम मस्त बना के, क्योंकि चाचा की वारसी आने वाली है, घर में लोग आएंगे तो देखेंगे क्या करा है मैंने, क्या नहीं करा है करके। तो अच्छा अच्छा बनाए रखूंगी, क्योंकि बगल में और यहाँ दुकान में झाड़ू वगैरह तो रोज लगता है, लेकिन ये सामान जो मुझे गुस्सा दिलाता है, इस चीज को मुझे हटाना है वहां से। वो सारा जो गत्ता है पीछे साइड का, कोक वगैरह को छोड़ के, वो सारा गत्ता मैं अंदर सेट करूंगी। और इस वाली ये जो ये टेबल जैसी है, इसको मैं वहाँ पे काउंटर में जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं वहाँ पे रखूंगी। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और हमारी दुकान से पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखिए सामने ये पुल क्या मस्त लग रही है, पूरी पुल लग चुकी है। और थोड़ा बहुत नीचे के पेच वगैरह कसने बाकी हैं और पूरा पुल का काम हो गया है, उसके बाद लेंटर डलने का काम स्टार्ट होगा। तो अभी फिलहाल आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और हम लोग मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। काम कर रही है, यार ऐसे सोच रहा था, फिर मम्मी ने गाना लगा दिया। बाहर सारी लग दिया मम्मी ने, बाबी आते बाहर पड़े आदमी ऐसी। इस साइड की मैंने कुछ इतनी सफाई कर ली थी, यहाँ पे मैंने ये गत्ते वगैरह सब चेंज कर दिए हैं और पुराने गत्ते मैंने फेंक दिए थे और नीचे का कपड़ा धो के दोबारा से रख दिया है और आधा बाहर से रख रखी है पन्नी को धोने के लिए। और बर्तन आधे इस साइड हैं जिनको मैं बार बार धो के सेट करते रह रही हूँ, तो थोड़ा मैं बिज़ी हो गई थी ये सॉस वगैरह वहाँ लगाने में, तो ये चीज़ मैं वहाँ पर लगा देती हूँ, इनसे थोड़ा अच्छा भी लगेगा देखने में। और वहाँ बगल वाली दुकान में ज़्यादा जगह भी नहीं है, तो मैंने सोचा इसको इस साइड लगा देती हूँ करके। और यहाँ पे वेदू मैडम बैठ के क्रीम रोल खाने लग गई हैं, इन्होंने मेरी वीडियो बनाई ना, इसलिए इनको मैंने क्रीम रोल दिया है। और इधर वाली दुकान का नज़ारा कुछ ऐसा है, तो यहाँ देखिए बगल में मैंने सुबह जो जो सामान लिया था, वैसे तो अभी लगाया नहीं है, तो कुछ कुछ सामान ये है, थोड़ा बहुत बिस्किट इसके नीचे हैं और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक लगी हुई हैं ये सारी मैंने कल ली थी। तो ये सामान तो बाद में शाम तक भी मैं सेट कर लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल काम चल रहा है मेरा ये वाला जो ये सामान है ना, इसको यहाँ पर लगाने का। और ये देखो यहाँ पर भी जो कल कोल्ड ड्रिंक ली थी वो मैंने पूरी अच्छे तरीके से सेट कर दी यहाँ पर साफ़ सफ़ाई करके, और सामान पूरा एक्स्ट्रा सामान पूरा पीछे कमरे में डाल दिया है। अब एक दिन मेरा काम होगा इस रैक को, इन रैकों को साफ़ करने का, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा धूल से ख़राब हो जा रहे हैं। तो पहले ये वाली चीज़ों को मैं सेट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलूँगी थोड़ी देर बाद। है अभी नहीं, और वहाँ हूँ। क्या क्या पढ़ाई करी बेटा, क्या क्या पढ़ के आया? एक पढ़ा, दो पढ़ा। अच्छा,
माऊ दीदी मैं खा लूं। और वो कौन है पता है उसको, ताऊ मजाक करते हैं करके। हमारे यहाँ पुल में पेंट भी होने लग गया है। पुल का कसने का काम तो पूरा हो गया था, शायद थोड़ा बहुत और कुछ बच रखा होगा वो कर रहे हैं, लेकिन आज पेंट करने वाले भी आए हैं और मुंशी जी लोग देख रहे हैं काम कैसा चल रहा है करके। तो कुछ दिनों में पुल तैयार हो जाएगी। और ये देखो इन दोनों को, इन दोनों की सतानी कोई हिचकी विचकी नहीं आ रही, ऐसे रुक जाती है। वाह नाक बंद करके हिचकी रोक रहे हैं। वाह ये बैठे हैं इसमें तारे सुयाल, गेम खेलने में लगे। अपना सर झुका लेंगे देखना, वीडियो जैसे ही वीडियो बनेगी तो अपना सर नीचे को कर देंगे। शाम के 5:20 हो चुके हैं और अब मैं पानी भी भरने लग गई हूँ। अरे यहाँ पे रख के गए हूँ, हाँ ले जाऊंगी अभी। तो यहाँ देखो ये आड़ू के फूल अभी शाम के टाइम में कितने प्यारे लग रहे हैं, अब फूल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लग गए हैं और हमारे पुल का नज़ारा भी देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा पानी ले आती हूँ, 2-3 बाल्टी पानी भरना है मैंने, उसके बाद हम चलेंगे घर को। इधर साइड भी देखो फूल, ऐसा लग रहा है किस चीज़ के फूल होंगे घर के। कुछ टाइम बाद इनमें आड़ू के दाने दिखेंगे आप लोगों को, अभी तो खैर हरी हरी पत्तियाँ छोटी छोटी हैं। आज तो टीका पिटिया लगा के आए हो बिल्कुल, क्यों छिप क्यों रहे हो तुम? आज कहाँ गए थे आप, क्या हमें बताएंगे? मारूंगी ना तो हितेश सुयाल आज छुट्टी के दिन गए हुए थे जागेश्वर धाम ना। हितेश कितनी शर्म आ रही है इनको देखो, ये तो ले प्रसादी। जय हो भगवान। अमन की मम्मी को जल्दी ठीक कर देना, अमन को जल्दी से फिर वापस से नौकरी में भेज देना और वेदिका सुयाल को होशियार बनाना भगवान। जरा ढंग से बैठे, ये इसको ढंग से बैठने का तरीका से, अब यहाँ पे बैठ के लिखना ठीक है, लिख थोड़ी देर, लिख। मैं पानी लेके आ रही हूँ, हाँ बाल्टी लगा के आई हूँ। अमन वेदिका को ड्रॉइंग सिखा रहे हैं। इसमें से हितेश इसमें से वेदू को प्रसादी दे दो हाथ में, वो खाएगी ना। इनको देख रहा है, इनको वेदू के लिए कुछ गिफ्ट आ रहे हैं। अमन हाँ चाचा पढ़ा रहे हैं। हाँ देखो रुक जा, 2 गिलास 3 ठीक है, बना रही हूँ, ला रही हूँ अभी, वही ला रही हूँ। चाय का ऑर्डर आ चुका है वेदिका सुयाल, क्या है दिल्ली मिठाई तो वहाँ क्यों रखी आपने? इसके बाहर का ना मुझे अच्छा ही लगता है दाना। देखो नींद आ चुकी है, दिन भर काम करके थक चुकी है वैदू, आज दुकानदारी बहुत कर दी है 4-5 हज़ार की। आ जा फिर, आज कैसी शिफ्ट है?